हाय क्लास, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। इट मींस टुडे आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स के, कि फिनॉल्स और अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि जो एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स की है वो कैसे होती है। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल्स लाइक सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इंडिकेट इट एसिडिक नेचर। इट मीन्स जब भी हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी सोडियम मेटल के साथ या सोडियम एल्यूमिनियम मेटल के साथ, तो वो हमें क्या करता है, उसमें फिनॉल के एसिडिक नेचर को इंडिकेट करता है। द OH ग्रुप इन फिनॉल इट डायरेक्टली अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स जो हमारे पास जो OH ग्रुप है फिनॉल्स में, जो फिनॉल्स में ये OH ग्रुप है, जो फिनॉल्स में हमारे पास OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप क्या करता है कि इस वाले कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। OH ग्रुप इन फिनॉल इज डायरेक्टली टू अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन और बेंजीन रिंग विच एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जो यहाँ पे क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है। ड्यू टू दिस रीजन, इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का काम करने लग जाता है। ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिनॉल्स, ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फिनॉल्स, मतलब जिसके कारण क्या होता है कि जो फिनॉल का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नेगेटिव चार्ज डिपेक्टेड टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर कॉजेस द ऑक्सीजन OH टू पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स जो OH ग्रुप का चार्ज क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके कारण यहाँ पे OH ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कॉजेस द ऑक्सीजन ऑफ OH टू पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल का O है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, एसिडिक देन अल्कोहल्स। व्हाई? जो फिनॉल्स होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है किसके कंपेयर में, अल्कोहल के कंपेयर में। तो इट मींस लाइक एग्जांपल फिनॉल, फिनॉल्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल RCH2OH। ड्यू टू रेजोनेंस, जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो कभी भी फिनॉल्स जो होता है वो किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करता है तो फिनोक्साइड आयन बनाता है। अब इसका ही कहना है कि जो हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस के कारण, ड्यू टू रेजोनेंस के कारण जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। द लाइक एग्जाम्पल फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स, इन द केस ऑफ अल्कोहल्स, इट मीन्स जो अल्कोहल्स के केस में है तो यहाँ पे हम लोग एसिडिक किसको बोलेंगे, प्रोटोन डोनर स्पीसीज, जो क्या करेंगे एच पॉजिटिव आयन्स को डोनर करेंगे, लाइक आर ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, यानी कि क्या हो गया, प्रोटोन डोनर स्पीसीज। इन द केस ऑफ एरोमेटिक रिंग लाइक बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ ARO- प्लस एच पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा, किसके केस में, इन द एसिडिक के केस में। तो लेट अस टेक द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो फिनोक्साइड आयन का
फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। इन द फिनोक्साइड आयन O- टू इलेक्ट्रॉन्स आर अकर, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑल्सो टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिनोक्साइड आयन दिस वन इज एल्कोक्साइड आयन, दिस वन इज द फिनोक्साइड आयन। इन द केस ऑफ फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन हीज नेगेटिव चार्ज बिजी ड्यू टू रेजोनेंस। फिनोक्साइड आयन हीज नेगेटिव चार्ज बिजी ड्यू टू रेजोनेंस। इट मीन्स जो फिनोक्साइड आयन होते हैं कि वो अपने नेगेटिव चार्ज को ड्यू रेजोनेंस के कारण बिजी कर देते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन क्या करता है कि अपने जो नेगेटिव चार्ज है इसको बिजी नहीं कर पाते हैं। तो ड्यू टू रेजोनेंस इसका इट मीन्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन, द इलेक्ट्रॉन्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड ऑल्सो ब्रेक डाउन, द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स दिस कार्बन टू सो दैट the bond breakdowns, the oxygen have double bonded, thus the loss of electron, this one is the positive charge, oxygen have positive charge, the bond breakdowns between negative, this carbon had negative charge and this bond is as it is. The second things, the negative charge electrons move towards this carbon and this bond also break down and electrons move towards. This position is carbon ortho position, ortho. And next structure we get, next resonance structure we get, oxygen positive charge, two electrons and also two electrons. And this bond, this electron move towards this one, the double bonded, and this one negative charge, and this bond also. Now next step, the electrons move towards, and this bond break down, the electrons move towards this carbon. This one is the para position, para. This one is the para position. This one is the para position, oxygen double bonded positive charge, this bond, the electrons move towards, and this one is the also negative charge, and this electrons move towards this carbon and bond break down between this one, and finally we get phenoxide ions. Let us examine the stability of alkoxide and phenoxide. In alkoxide ion, the negative charge is localization on oxygen. It means जो हमारे पास alkoxide ions की और examine करते हैं हम किसकी, दोनों के phenoxide ion की, तो let us examine the stability of alkoxide and phenoxide ion. Alkoxide ion negative charge is localized on oxygen. It means जो हमारे पास alkoxide ion होता है ये negative charge इसमें locality में ही रहता है. It means oxygen के ही ऊपर रहता है, इधर उधर नहीं जाता है. While the phenoxide ion, the charge in delocalization टू नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिनोक्साइड, सो दैट फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन. इट मीन्स फिनोक्साइड हीज नेगेटिव चार्ज बिजी ड्यू टू रेजोनेंस. In the alkoxide ion, due to
not due to not being an electron busy. It means in the case of alkoxide ion, due to not busy an electrons, due to not being an electron busy in alkoxide ion, was forced to pull the H positive ion further. It means जो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन होता है, इसके नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसमें क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बिजी नहीं रख पा रहा है. फर्दर क्या करना पड़ता है, मजबूरन इसको अपने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ ही खींचना पड़ता है. इन द केस ऑफ फिनोक्साइड आयन ही इज नेगेटिव चार्ज बिजी ड्यू टू द रेजोनेंस. जबकि फिनोक्साइड आयन क्या करता है कि अपने नेगेटिव चार्ज को बिजी कर देता है, किसमें, ड्यू टू द रेजोनेंस. तो सो दैट फिनोक्साइड आयन मोर एसिडिक देन एल्कोक्साइड आयन आर सी एच टू ओ नेगेटिव. इट मीन्स फिनॉल मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स. Let us take some example arranged in the acidic nature like alcohols C2H5OH, phenol, ortho-nitrophenols and metanitrophenols. Arrange the increasing order of their acidic nature. In the case of previous lecture we discussed about acidic nature alcohols and phenols. In the case of nitro groups, NO2 groups, electron withdrawing group. In the ortho position, charge density larger. Due to negative charge density larger. It means जो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन होती है, इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये फिनोक्साइड बनाता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज और आ जाता है. नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने के कारण इसके जो हमारे पास एसिडिक नेचर होता है, इसका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का ज़्यादा होता है. ऑन द अदर हैंड मेटा नाइट्रोफिनोल्स कंपेयर द नाइट्रो ग्रुप इन द ऑर्थो पोजिशन चार्ज डेंसिटी इज द लार्जर कंपेयर देन मेटा पोजिशन. तो सो लार्जर एसिडिक नेचर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल देन पैरा नाइट्रोफिनोल सॉरी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल्स सॉरी देन मेटा नाइट्रोफिनोल्स एंड देन फिनोल्स and last alcohols C2H5OH. it means जो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, फिर उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनोल का होगा, फिर फिनोल का होगा, और लास्ट में एल्कोहल्स का होगा. जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है और जो पैरा नाइट्रोफिनोल होता है, इनमें थोड़ा सा ही चेंजेस आता है. इन द केस ऑफ जो हमारे पास पैरा पोजिशन, ये ऑर्थो पोजिशन होती है, ऑर्थो पोजिशन पे मेजर प्रोडक्ट मिलता है हमें. वी फाउंड द मेजर प्रोडक्ट इन द ऑर्थो पोजिशन ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको हम कोलवे रिएक्शन में, और जो हमारे पास कोलवे रिएक्शन है, रायमन टाइमन रिएक्शन है, उसमें पड़ेंगे. थैंक्स.